श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे त्रिफला के बारे में कि त्रिफला के क्या क्या गुण है, कैसे त्रिफला के प्रयोग से बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी व अनियमित खान पान और तनाव भरे माहौल में ज्यादातर लोग तरह तरह के रोगों से पीड़ित रहते हैं, जिनमें कब्ज व शारीरिक सुस्ती के ज्यादातर लोग शिकार रहते हैं और इससे निजात पाने के लिए एलोपैथी गोलियां खाकर दूसरी बीमारियों को न्योता दे देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे देश के प्राचीन आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त ऐसे छोटे छोटे नुस्खे भरे पड़े हैं जिन्हें आज आजमाकर हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। यही नहीं, हमारे रसोई में उपलब्ध मसालों आदि के सेवन से हम छोटे मोटे रोग ठीक करने के साथ अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। भारत में हर कोई जानता है कि ऋषि चवन ने च्यवनप्राश का सेवन कर अपने शरीर का कायाकल्प कर लिया था, पर आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं त्रिफला के सेवन से अपने शरीर का कायाकल्प कर जीवन भर स्वस्थ और स्वस्थ रहने का। आयुर्वेद की महान देन त्रिफला से हमारे देश का आम व्यक्ति परिचित है। सभी ने कभी न कभी कब्ज दूर करने के लिए इसका सेवन भी जरूर किया होगा, पर बहुत लोग कम जानते हैं कि इस त्रिफला चूर्ण, जिसे आयुर्वेद रसायन भी मानता है, से अपने कमजोर शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। बस जरूरत है तो इसके नियमित सेवन करने की, क्योंकि त्रिफला वर्षों तक नियमित सेवन से ही आपके शरीर का कायाकल्प कर सकता है। अभी त्रिफला क्या है? त्रिफला एक आयुर्वेदिक पारंपरिक दवा है जो रसायन या कायाकल्प के नाम से भी प्रसिद्ध है। त्रिफला तीन जड़ी बूटी है, बूटियों का मिश्रण है, अमल की, हरित की और विभीत की। त्रिफला रोजमर्रा की आम बीमारियों के लिए बहुत प्रभावकारी औषधि है, फिर चाहे वह सिर का रोग हो या चर्म रोग, रक्त दोष हो, मूत्र रोग या फिर पाचन संस्थान संबंधी रोग, ये सभी रोग का रामबाण है। तो आइए हम आपको बताते हैं, वीडियो काफी लंबा होगा तो आखिर तक आप बिल्कुल देखिएगा, फिर मैं इस वीडियो को दो भागों में विभक्त कर दूंगा ताकि आपको देखने में ज्यादा परेशानी नहीं। तो सर्वप्रथम हम आते हैं आंखों के रोग में जो ये चमत्कार करता है। त्रिफला को शाम को पानी में डालकर भिगो दीजिए, सुबह उठकर इसे छान लें तथा इसे आंख धोएं, इससे हर प्रकार की आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है। त्रिफला के चूर्ण को कुछ घंटे तक पानी में भिगोकर छानकर उसका पानी पीने से गैस की भी शिकायत नहीं रहती है। त्रिफला के पानी से आंखों को धोने से आंखों के अंदर की सूजन दूर हो जाती है। लगभग 5 से 10 ग्राम महात्रिफला तथा मिश्री को घी में मिलाकर सेवन करने से आंखों का दर्द, आंखों का लाल होना या आंखों की सूजन आदि दूर होते हैं। फिर 4 चम्मच त्रिफला का चूर्ण 1 ग्लास पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छान लीजिए। इस पानी से आंखों पर छींटे मारकर दिन में 4 बार धोएं, इससे लाभ मिलता है और आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। त्रिफला के काढ़े की कुछ बूंदें आंखों में डालने से हर प्रकार के आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। त्रिफला के पानी से रोजाना 2 से 3 बार आंखों को धोने से कनिनिका का जलन दूर होता है। आंखों के रोग को ठीक करने के लिए 30 ग्राम त्रिफला चूर्ण को रात के समय में 100 मिलीलीटर पानी में मिलाकर रखिए, सुबह इसे कपड़े से छानकर आंखों को धोइए। 10 ग्राम त्रिफला, 5-5 ग्राम सेंधा नमक और फिटकरी और 100 ग्राम नीम के पत्ते, इन सबको मिलाकर 300 मिलीलीटर पानी में उबालिए तथा इसे कपड़े से छानकर आंखों के धोने से आंखों की सूजन ठीक हो जाती है। अभी हम आते हैं मोतियाबिंद पे। ठंडे पानी या त्रिफला के काढ़े से आंखों को धोने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। फिर त्रिफला चूर्ण एवं यष्टिमूल चूर्ण को 3 से 6 ग्राम शहद या घी के साथ दिन में 2 बार लेने से मोतियाबिंद ठीक हो जाता है।
मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए 6 से 12 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 12 से 24 ग्राम घी के साथ दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो ये थे अपने आंखों को ठीक करने के उपाय और मोतियाबिंद ठीक करने के उपाय। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। अगले वीडियो में हम आपको रतौंधी के बारे में बताएंगे, रतौंधी या दिनौंधी, और त्रिफला से उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट।